ऑलमोस्ट सब आ गए हो ऐसा मान लेता हूं मैं। आई एम स्टार्टिंग इट, रिकॉर्ड तो हम करेंगे ही। हेलो डियर फ्रेंड्स, वी आर ट्राइंग टू कवर अवर इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट आरटीपी ऑफ मे 2020-21 अटेम्प्ट। तो 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट है। पहले केस स्टडी नहीं करते हैं, पहले हम बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन विल गो टू एमसीक्यू। ओके, तो क्वेश्चंस क्या है, यहां से शुरू होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टेन, वेडिंग बेल्स इज अ वेडिंग फोटोग्राफर हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग प्री वेडिंग शूट सर्विस। ये आजकल बहुत चल रहा है, प्री वेडिंग। ओके, शादी से पहले फोटो वोटो सब हीरो हीरोइन की तरह तैयार वैयार करके वो लोग दरिया किनारे ये वो सब फूल एक दूसरे पे गिराते हुए फोटो ले लेते हैं के दो जिंदगी के सबके यादगार पल रहते होंगे। फिर लाइफ बाद में ही शुरू होती है, तब पता चलता है कि वो खाली फोटो शूट में होता है, रियलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। समाउ कम बैक टू अवर स्टडीज। तो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कमेंट्स था। सर क्यों, कमेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है? सी, कमेंट्स का मतलब होता है यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस यू गेट अ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और ये सर्विस है। ओके, फोटोशूट की सर्विस, यानी 20 लाख का बेसिक एग्जम्पशन तो मिलेगा। अगर आप पहले से कर रहे थे तो वो नहीं मिलेगा। इन करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 इट हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टर्नओवर ऑन वेरियस क्वार्टर्स टिल दिसंबर। अप्रैल टू जून इतना टर्नओवर, जुलाई टू सितंबर इतना टर्नओवर, अक्टूबर टू दिसंबर इतना टर्नओवर। यू मे अज्यूम द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 18%। वेडिंग बेल विशेस टू पे एट लोअर रेट। डियर फ्रेंड, लोअर रेट और कंपोजिशन जा सकता है कंपोजिशन में वो। You are required to advise whether it can be do so, and if yes, what is the amount of tax for each quarter? Question ध्यान से देखने का, उसने each quarter का tax pay किया है। तो composition में जा सकता है, जा सकता है। तो पहले quarter में tax कितना आएगा बताओ? What will be tax rate at first quarter? पहले quarter में क्या tax आएगा? 6% के हिसाब से कितना आएगा? ट्वेंटी लैक्स का 6%, वन पॉइंट टू, वेरी गुड। बाकी के बच्चों, पहले में नील आएगा, नो टैक्स, पहले में कुछ नहीं आने वाला। पहले में कहां से आएगा? न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, इसीलिए तो मैंने बोला कमेंस किया है, तो अप टू 20 लैक्स नील। फिर वो जो स्कीम है 50 लैक्स तक की स्कीम है, सेक्शन 10(2)(a), आपको याद है ना? तो इन दैट केस क्या होगा, बाकी के 30 लैक्स पे 6% लगेगा। टेल मी हाउ मच, 30 लैक्स पे 6% उस क्वार्टर में विद नो आईटीसी। और फिर 18% लगेंगे। टेल मी व्हाट इज टैक्स, इतना देर किस चीज का लग रहा है? डीएस वंस, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? 1.8 लैक्स और 40 लैक्स का 18%। एक दो घंटे तक नहीं करना है क्या आरटीपी? ये वांट टू फिनिश इट इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। 7.2, सो टोटल 9 लैक्स। इज इट ओके? लुक एट द आंसर व्हाट इंस्टीट्यूट इज राइटिंग। इंस्टीट्यूट ने उस तरह से लिखा, डिटेल लिखने की आपको थोड़ी सी कि भाई ये कंपोजिशन में जा सकता है, ये रूल है, ये सेक्शन 10 है, 2A के अंदर जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट केस में टर्नओवर अप टू 20 लाख जीएसटी नील, सेकंड केस में 6% इतना एंड 7.2, दिस इज योर आंसर। सो यू गेट ऑन, ये अमेंडमेंट है और ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ऐड किया था इफ यू रिमेम्बर, इसलिए उन्होंने कॉपी करके पूछा है। चलो, आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन। मिस्टर प्रियम इज अ डायरेक्टर ऑफ सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइडेड सर्विस टू कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 125। ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस। If yes, who is liable to pay GST? Okay, independent cases में। तो मिस्टर प्रियम डायरेक्टर है, तीनों के आंसर अलग अलग होंगे, बराबर? नंबर वन का आंसर पहले देना। मिस्टर प्रियम इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सन मून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। टेल मी हु विल पे टैक्स? मिस्टर प्रियम विल पे टैक्स, सन मून प्राइवेट लिमिटेड विल पे टैक्स। कंपनी विल पे अंडर विच सेक्शन?
सेक्शन बी लिखने का ना, मार्क्स नहीं लाना है, कंपनी विल पे, करेक्ट, अंडर आरसीएम, करेक्ट, विद सेक्शन 9, नहीं डियर फ्रेंड्स, 9, 3, 9 तो कितनी बड़ी सेक्शन है, ओके थोड़ा स्पेसिफिक लिखो, चलो करेक्ट, चलो नेक्स्ट, मिस्टर प्रियम इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर प्रियम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो नौकरी कर रहा है, आउट ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन अमाउंटिंग 1,25,000, 60,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सैलरी, उसमें से 60 सैलरी है सनमून प्राइवेट लिमिटेड की, और उसका टीडीएस 192 में काटा है, 192 इज फॉर सैलरी अंडर इनकम टैक्स, लेकिन बाकी के 65 उसने सेपरेटली दिखाए अदर देन सैलरी, जिसको सब्जेक्ट टू टीडीएस है 194 से, 194 जे इज फॉर प्रोफेशनल सर्विस, यानी सीए की तरह, ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने दो पार्ट कर दिए, तो क्या लगता है आपको, 1,25,000 का उसने बोला 60,000, उसने बोला 65,000, 60,000 को बोला उसने सैलरी और टीडीएस उसने बोला 192, और यहां पे उसने बोला प्रोफेशनल सर्विस 194 जे, तो क्या करने का, क्या करने का, दोनों पे लगेगा, दोनों पे नहीं लगेगा, 60 पे कुछ और, 65 पे कुछ और, पढ़ाया है मैंने ये स्पेसिफिकली पढ़ाया है, टेल मी, करेक्ट, क्या होगा, सैलरी वाले पे नो जीएसटी, और रेफरेंस क्या लिखेंगे, सैलरी पे नो जीएसटी पे रेफरेंस क्या लिखना चाहिए, कहां पे लिखा है कि इस पे सैलरी पे जीएसटी नहीं लिखेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, खाली यस नो करके आते हो फिर मार्क्स कम आते, नहीं लगेगा जीएसटी, लेकिन कहां पे लिखा है, तो याद रखने का शेड्यूल 3 क्या था बताया आपको, नेगेटिव लिस्ट जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में लिखा है, और 194 जे पे जीएसटी लगेगा, ओके, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लगेगा, ओके, क्योंकि वो सैलरी में कवर नहीं होता, सो कंसीडरिंग द आंसर पैटर्न ऑफ 11 में तो आपने बोल दिया पेएबल बाय सनमून कंपनी अंडर 9(3) रिवर्स चार्ज, और सेकेंड के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 60,000 जो सैलरी था इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर शेड्यूल 3, और 65 था वो टीडीएस 194 जे में प्रोफेशनल, वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं होता, ओके, तो सनमून कंपनी हैज टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, चलो करेक्ट, गुड, चलो मैं पूछ रहा हूं आपको, ओके, मिस काशी इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, विल चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, मिस काशी इज रजिस्टर्ड इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर शी वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज विद हर फैमिली फॉर 55 days, so there was no business transaction made in August. Miss Kasi's opinion that there is no transaction, there is no need to file monthly return 3B in August. However, a tax consultant advised to file nil GSTR 3B. Whether the consultancy is correct or not? Correct. इसमें क्या आप खुद अपना क्या suggestion देना चाहोगे? Nil return भरना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ और amendment में था ऐसा कुछ? कि सर ऐसा कर सकते हो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, नील रिटर्न भर तो सकते हैं लेकिन साथ में हम एसएमएस कर सकते हैं, क्योंकि नील रिटर्न आप खुद भर सकते हो, ओके, ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, तो कंसल्टेंट इज करेक्ट, 3B इज मैंडेटरी, कुछ ना हो तो भी, और मिस कशिश बाहर है तो भी कर सकते हैं, उन्होंने नहीं लिखा बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू शुड राइट डाउन के दैट कैन बी डन बाय एसएमएस इटसेल्फ, ओके, सो दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, वो अमेंडमेंट है, वो आंसर में नहीं है इंस्टीट्यूट के, बट हमें पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है उनके मटेरियल में, इट इज लिटरली कॉपी पेस्ट ओनली, आई डोंट फाइंड एनीथिंग टेक्निकल, बट ऑफकोर्स ये सब हमने पढ़ा है इसीलिए टेक्निकल नहीं लगता, बाकी आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कंपोजिशन का मिला, देखो ये चैप्टर मैंने आपको बोला था इनवॉइस पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न में जो अमेंडमेंट है वो पूछेंगे, मिसेलिनियस चैप्टर में से पूछेंगे, ऐसा मैंने अमेंडमेंट के वक्त हर बार बोला था, कोर चैप्टर में से नहीं, तो देखो बी, विल योर आंसर ए बी चेंज इफ मिस काशी हैज प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेज, उसने परचेज किया है मोबाइल फोन का और उसको क्रेडिट लेना है, तो ऊपर जैसा ही आंसर आएगा नील रिटर्न के, रिटर्न भरना पड़ेगा, वन ट्रांजेक्शन इज देयर,
इफ वन ट्रांजेक्शन इज देयर व्हाट विल हैपन डियर फ्रेंड, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, करेक्ट। तो इन दैट केस 3B is only when it is nil return and no entry in all tables. Okay, अगर एक भी एंट्री है तो वो नहीं चलेगा, तो मींस कास्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग इन ए ऊपर की बात कर रहे हैं, मींस कास्ट डज नॉट हैव इंटरनेट फैसिलिटी, यहाँ पे उसने लिखा है अगर उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और मोबाइल एंड देयर इज नो फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय कमिश्नर एंड वेन नो रिटर्न इज टू बी फाइल इन एब्सेंस ऑफ मीन्स टू फाइल रिटर्न, तो क्या भाई इंटरनेट बंद है, एकदम काल्पनिक बातें की, क्योंकि उसको चाहिए कि आपका नॉलेज कितना अपडेटेड है। तो उसने बोला कि इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और फैसिलिटेशन सेंटर भी नहीं है, कमिश्नर ने नहीं बोला, इन दोनों में से एक भी चीज ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अज्यूम करो। तो बोलते हैं तो भी अगर रिटर्न भरना है तो भरने का कोई रास्ता है, ऐसा वो पूछ रहा है। तो क्या रास्ता है, जो हमने एक्चुअली वन में दे दिया, हमने वन में आंसर दे दिया, उसको थ्री में चाहिए, कि जीएसटी 3B कॉमन पोर्टल पे आधे डायरेक्टली भर सकते हो या नॉमिनेशन फैसिलिटेशन सेंटर से, या फिर आप एसएमएस भी कर सकते हो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। सो मिस कसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल नील रिटर्न थ्रू एसएमएस फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दो देर इज नो इंटरनेट फैसिलिटी और नो फैसिलिटेशन सेंटर। सो एसएमएस इज इंपॉर्टेंट उनके हिसाब से। ओके, तो देर इज 12 नंबर, देन इट इज 13 क्वेश्चन, तो उन्होंने कुछ रखे ही नहीं आरटीपी के अंदर। बाली लिमिटेड ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड ए सिक्योरिटी सर्विस टू रजिस्टर पर्सन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मुंबई ऑफिस इज 500 करोड़ एंड 250 करोड़, तो 500 करोड़ से ज्यादा हो गया। ई इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन करंट फाइनेंशियल ईयर बाली लिमिटेड प्रिपेयर्स डुप्लीकेट इनवॉइस डज नॉट इश्यू ई इनवॉइस विद द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट क्रॉस थ्रेशोल्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन द व्यू ऑफ बाली लिमिटेड इज करेक्ट ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ इनवॉइसिंग। तो आप देखो आरटीपी यहाँ पे खत्म हो जाता है डियर फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट द लेवल वॉट पीपल विल एक्सपेक्ट, पीपल विल एक्सपेक्ट इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, पीपल विल एक्सपेक्ट रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसने कैसे चैप्टर उठाया आपने देख लिया, एंड सी दिस इज ओनली एन आरटीपी बट इन एग्जाम ऑल्सो यू विल फाइंड आउट दिस ऑल मिसलेनियस चैप्टर मोर। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर की डेफिनेशन आपके अटेम्प्ट के लिए, हर बार ऐसा नहीं होगा बट ये अटेम्प्ट के लिए। ओके, यहाँ पे बाली लिमिटेड ने जो किया वो करेक्ट नहीं है, ऑल नोटिफाइड रजिस्टर पर्सन जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनको ई इनवॉइस कंपलसरी है, एलिजिबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है, यानी आप दो कंपनी का इसका 300 इसका 250 ऐसा नहीं होता, पैन कार्ड बेस्ड होता है, टोटल टर्नओवर देखा जाएगा, फर्दर इनवॉइस इज एप्लीकेबल देर इज नो नीड टू इश्यू इनवॉइस कॉपी इन डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट, वो हमने पढ़ा था इनवॉइस में डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट की जरूरत है, एडवांटेज स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं क्योंकि ये पूछेंगे ना, ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वो आपके अटेम्प्ट में ही पूछेंगे। फॉर नवंबर इट इज टू ओल्ड, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, अगर ये चैप्टर में से पूछते हैं इनवॉइसिंग वो आपके अटेम्प्ट के लिए ही मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन, उसके बाद तो इतने काफी सारे चेंज आ जाएंगे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ई इनवॉइस हैव मेनी एडवांटेज, सबसे पहले ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस इनटू जीएसटी रिटर्न, ऑटो जनरेशन ऑफ ईवे बिल, ये सबसे बड़ा फायदा है, एक्यूरेसी होगी, रिकंसिलेशन करने में टाइम जाएगा नहीं, अर्ली पेमेंट हो जाएगा क्योंकि वो लोग उसके अंदर आपको पता है ना कि क्यूआर कोड लगाने वाले हैं, क्विक रिस्पॉन्स बराबर उसमें तुरंत होगा, कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, सब ऑनलाइन है, टैक्स इवेजन छुपाना, गलत फेक क्रेडिट फेक इनवॉइस के क्रेडिट सब बंद हो जाएगा, उसको अलग से भी बताया उसने, एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस एंड पेपर एलिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि सब ऑनलाइन होने वाला है। सो दिस इज ऑल व्हाट दे आस्क्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले आंसर देना, ओके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है। ओके, चलो सबसे पहले एवरीवन, मैसर्स अदिति एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडरटेकिंग वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, फर्म हैज लेट आउट एंड हायर फॉलोइंग व्हीकल। मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 5 लेट आउट हायर बाई फर्म सर्विस दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, लेटिंग ऑफ हायर ए मोटर व्हीकल टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 15 पैसेंजर, लेटिंग ऑफ हायर इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रेटर देन 12 पैसेंजर, लेटिंग ऑफ हायर इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन लेस देन 12 पैसेंजर। ओके, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसकी बात कर रहे हैं।
15 तो है नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं। फर्म हैज लेट आउट हायर ऑन फॉलोइंग, ए मोटर व्हीकल कैरिंग 15 पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज एग्जाम, और जो 12 से ज्यादा लोग बिठा सकता है वो ओके एग्जम्पशन में आता है। सो इन दैट केस यू आर दिस आंसर विल बी करेक्ट ओके, टू लेटिंग आउट। दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी टू बी क्लेम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, कितनी क्रेडिट मिलेगी, तो वो तो आप लोग बता पाओगे, मैं पूछता हूं आपको। फर्म हैज एडिशनल इंफॉर्मेशन इन मंथ ऑफ अक्टूबर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी बीइंग प्लांट एंड मशीनरी जीएसटी कंपोनेंट 110, क्या इमोबल प्रॉपर्टी की क्रेडिट मिलती है कि नहीं मिलेगी, मैं पूछ रहा हूं आपको, टेल मी 1,10,000 की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यस नो 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 नो, मिक्स आंसर आ रहा है नो। ऊपर यस भी आया था, यस आया था उसका क्या रीजन है, यहां पे आपके साथ धोखा हो गया डियर फ्रेंड्स। इमोबल प्रॉपर्टी की नहीं मिलती बराबर है, लेकिन उसने क्या लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी तो एक्सेप्शन में था, प्लांट एंड मशीनरी तो एक्सेप्शन में था, यहाँ पे क्रेडिट मिलेगी, तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने का, गड़बड़ हो जाएगी ओके। फिर दूसरी, जीएसटी अमाउंटिंग 70,000 वॉज पेड ऑन डिमांड ऑफ डिपार्टमेंट ड्यू टू फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया, आप पकड़े गए और आपने जीएसटी भरा 70,000 और उसका आपको क्रेडिट चाहिए, मिलेगा, पकड़े जाते हैं तो जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता। गुड्स वैल्यूइंग 10 लाख, जीएसटी 1 लाख वॉज रिसीव्ड 180 डेज अगो, इनवॉइस वॉज इश्यूड ऑन द डेट ऑफ सप्लाई फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख टॉवर्ड्स द वैल्यू ऑफ 40,000 टॉवर्ड्स टैक्स। सो फर्स्ट टू इंडिपेंडेंट आउटवर्ड सप्लाई, सॉरी एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये तीनों के वैसे पूछा होगा। गुड्स वैल्यूइंग 10 लाख थे, जीएसटी उस पर 1 लाख था, वेर रिसीव्ड 180 डेज अगो, यानी आपको 180 डेज पहले उसके गुड्स मिल गए ओके, तो गुड्स मिलते हैं तब आपको क्रेडिट लेना पड़ता है। इनवॉइस ऑल्सो इश्यूड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ओके, तो रिसिप्ट ऑफ सप्लाई के वक्त ही इनवॉइस इश्यू किया था। फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड टिल डेट टू एन एक्सटेंट ऑफ 4 लाख, उसका आपने 4 लाख का पेमेंट किया है एंड टॉवर्ड द पेमेंट टॉवर्ड्स वैल्यू ऑफ 40,000 टॉवर्ड्स टैक्स। क्वेश्चन बहुत क्लियर तरीके से नहीं लिखा उन्होंने, एक क्रेडिट मिलेगी ऐसा लगता है यहां पे हमें, बट हम बात कर रहे हैं अक्टूबर की, आर यू गेटिंग इट ऑन ऑन। अब ये पैसे उसने कब भरे वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप समझ रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग नो यू विल गेट 40, बट वेन यू हैव पेड टैक्स इन अक्टूबर यू हैव पेड टैक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर उसने 4 महीने पहले भरा होता तो उसने क्लैरिटी करनी चाहिए, एक्चुअली क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर। गुड्स वैल्यूइंग 10 लाख, जीएसटी 1 लाख, वे रिसीव्ड 180 डेज अगो, आपको 180 दिन पहले वो गुड्स मिले थे, इनवॉइस भी उसी दिन का था। फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड टिल डेट, अभी तक हमने उसको 4 लाख पे किया, लेकिन कब पे किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो समाओ नो वरीज, देखते हैं आंसर में क्या देते हैं वो लोग। डिटरमाइन एलिजिबल फॉर दिस 70,000, 110, 180 and nil, 110 तो था, 180 तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वन अगर इसको हम क्रेडिट देते हैं तो 150 आता है, 150 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, 150 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक 110 ओनली विल बी करेक्ट, द रीजन इज बिकॉज दे हैव नॉट क्लेरिफाइड कि वो 40 हमने कब दिए, ऐसा एग्जाम में नहीं करना चाहिए इन लोगों को ओके। 110 सी लॉजिकली मिलना चाहिए कब पता है, अगर आपने अक्टूबर में उसका पेमेंट किया है तो ओके और क्रेडिट का तो कैसा होता है, इनवॉइस और पेमेंट विचर इज अर्लियर, तो इनवॉइस तो पहले आ गया था 180 डेज पहले, लॉजिकली इनवॉइस और पेमेंट विचर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, तो इनवॉइस पहले आ गया था 6 महीने पहले, तो उसने 6 महीने पहले क्रेडिट ले भी ली होगी ना, बट ये चीज वो अज्यूम कर रहा है अभी, आर यू गेटिंग इट और नॉट, थोड़ा क्लैरिटी करना चाहिए क्वेश्चन में। फिर उसने पूछा आउटपुट टैक्स कितना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में,
चलो आप लोग बताओ, द फर्म हैज मेड टू इंडिपेंडेंट आउटवर्ड सप्लाई फॉर विच वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अंडरस्टेटेड, हमने थोड़ा सा कम दिखाया है, इन वन केस बाय 75,000 एंड ओवरस्टेटेड बाय 45,000, यानी एक में आपने 75,000 कम सेल दिखाया और एक में आपने 45,000 ज्यादा सेल दिखाया, तो जो कम सेल दिखाया 30,000 उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, कितना परसेंट है, परसेंट ही नहीं दिया। आपको समझ में आया कि नहीं, अंडरस्टेटेड मीन्स यू हैव शोन लेस सेल, अगर सेल ज्यादा दिखाते तो टैक्स भरना पड़ता, दूसरे में उसने 45,000 सेल ज्यादा दिखाया तो उसमें टैक्स भरा होगा, तो नेट 30,000 का टैक्स सेल आपने कम दिखाया। सो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी एडेड टू, आईटीसी टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, डिटरमाइन द आईटीसी टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके, दिस इज समथिंग एल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इश्यूड बाई फर्म फॉर अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट। ओके, अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात करें, वो अलग हो गया। चलो इसका क्या लगता है आपको, इसका क्या आएगा, डेबिट नोट विल बी इश्यूड फॉर 75,000, क्रेडिट नोट विल बी इश्यूड फॉर 75,000, ध्यान से सोचो क्या हो रहा है, और 45,000, फिर इन दोनों में से कॉम्बिनेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब इश्यू करते हैं, पार्टी को डेबिट करते हैं तब, जनरली हम किसी को सेल करेंगे तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, जैसे मान लो 1,00,000 रुपए का सेल कर दिया, ये नॉर्मल है। अब आपको शांति से सुनने का कि हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट केस के अंदर क्या था कि भाई अंडरस्टेट किया 75, अंडरस्टेट यानी कम दिखा, यानी एक्चुअली इस पार्टी को 175 का बिल करना था बट आपने बिल 1,00,000 का किया, डियर फ्रेंड्स, तो ये अंडरस्टेट हुआ ना, 75,000 आपने अंडरस्टेट किया, तो ये जो डिफरेंस की एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, मिस्टर एक्स को 75,000 डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको 1,00,000 से एंट्री की थी, करनी थी 175 की बट आपने किया 1,00,000 का, तो 75 के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट नोट इश्यू करेंगे 75 के लिए। ओके, और क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे 45 के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरस्टेट हो गया है, ओवरस्टेट का मतलब इसका ऑपोजिट होगा कि भाई आपको सेल करना था, आपने ज्यादा लिख दिया, लिखना था कम, तो उस केस में हम पार्टी को क्रेडिट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, सेकेंड केस ऐसा है कि आपको करना था एंट्री ऐसा, ये करेक्ट एंट्री है, दिस इज करेक्ट एंट्री, बट आपने गलती से ये 1,00,000 वाली एंट्री पास कर दी, यानी आपने मिस्टर एक्स को 45 से ज्यादा डेबिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू मिस्टर एक्स विल बी क्रेडिटेड फॉर 45,000, तो पूरा अकाउंटिंग फंडामेंटल पे गया। सो 1 एंड 4, सो इट विल बी 1 एंड 4, 1 एंड 4। तीसरा वाला तो बाकी रहा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, ये रिवर्सल की बात कर रहा है, इसने मिक्स कर दिया सब, मैं बता रहा हूं इसको, इसको लास्ट में लेते हैं। ओके, आई गॉट इट, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, हाँ दे आर आस्किंग फॉर रिवर्सल, अभी समझ में, मैंने देखा नहीं आरटीपी, मैं तो साथ अभी डाउनलोड करके मैंने कहा एक बार ले लेते हैं, उतना कुछ टेक्निकल होता नहीं है बट मिसमैच थोड़ा हो जाता है। द फर्म रिसीव्ड सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, हमें रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करने का है। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स इज अवेलेबल एंड ऑल द ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आर इंटरेस्टेड आईटीसी फॉर गिविंग ऑफ अबव इंफॉर्मेशन दिस। तो एक लास्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाई फर्म विच आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। The firm will issue payment voucher and make payment to supplier. Firm will issue invoice for supplier. ये invoice issue नहीं करते, supply नहीं किया हमने, reverse charge यानी क्या, हमें goods receive हुए हैं और हम उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट में, that is wrong. Firm will issue receipt voucher. Receipt कहाँ से होगा, हम परचेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर होगा, firm is not required to issue any document. Correct. This will be right.
The firm shall issue a payment voucher and goods received by firm is taxable under reverse charge. यानी हम ही invoice self generate करते हैं और उस पर payment करते हैं. अब इसकी बात करते हैं. अब हुआ क्या होगा मैं आपको समझाता हूं. ये क्या कहना चाहता था, गुड्स आपको 180 डेज पहले मिले होंगे, समझे, 180 डेज पहले मिले थे और इनवॉइस 1 लाख का था, यानी हमने तब 1 लाख का क्रेडिट ले लिया, ऐसा मतलब होता है. क्योंकि आप पेमेंट कर सकते हो अप टू 180 डेज तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो आपने ले लिया. लेकिन पेमेंट आपने अभी तक सिर्फ 40,000 का किया है, यानी आपकी जो एलिजिबल क्रेडिट थी वो सिर्फ 40 है. जो आप लोग बोल रहे थे वो राइट था, बट एमसीक्यू आपको पहले देखने का था जो हमने पैटर्न बनाया था, बट यहाँ पे हमने वो मिस कर दिया. सो एलिजिबिलिटी 40 की, लेकिन 60 आपने ज्यादा ले लिया, यानी 60 आपको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर आपके आउटपुट टैक्स में एड हो जाएगा. और जब वो पार्टी आपको पैसे देगी तब आप रिक्रेडिट ले लेना, आप वापस क्रेडिट ले लेना. तो दिस इज अबाउट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कितना ITC एड होगा जो आपने गलत ले लिया था वो. सो इट विल बी 60,000, करेक्ट. चलो अभी आप लोग देना जवाब, अभी मेरे हिसाब से मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट देख लेते हैं. ओके, इफ यू नीड हेल्प आई विल हेल्प इट आउट, बट ट्राई करो खुद. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 सेज, साहिल इज ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, इज हैविंग ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन वसंत विहार दिल्ली, विच हैज गिवन ऑन रेंट टू फैमिली फॉर 50 लाख पर एनम. 50 लाख रहने के लिए. डिटरमाइन वेदर साहिल इज लायबल टू पे GST ऑन सच रेंट. 50 लाख रुपए है भाई, बोलो GST भरना है कि नहीं भरना, आप लोगों को बताना है. दूसरे बच्चे क्या कहना है, GST भरना है कि नहीं. चलो वी हैव वन आंसर, सी 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 सी. व्हाई सी? बी और सी के बीच में नो. सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज एग्जेम्प्ट. सर्विस बाय रेंटिंग रेसिडेंट डज नॉट, ये आएगा ना बेटा. क्यों, सप्लाई तो है ना. सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, व्हेन यू प्रोवाइड सम गुड सर्विस एंड एक्सेट्रा फॉर ए कंसीडरेशन इट इज सप्लाई. तो सप्लाई तो है, सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 में है. तो ये सप्लाई तो है, लेकिन हमें उस पर अभी टैक्स नहीं लेना है, वो एग्जम्पशन चैप्टर में है. और एग्जम्पशन कभी निकाल दिया, मान लो सरकार बोलती है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे GST लगेगा, तो कल से लगना शुरू हो जाएगा. ओके, सो इट इज सप्लाई. सप्लाई में तो उन्होंने पूरी दुनिया कवर की है. ओके, सो इट लुक्स नियर बाय, बट आप पता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट एग्जम्प्ट है, उसकी स्पेसिफिक एंट्री भी है. आप एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ोगे, तब मैं कई बार बोलता था जब घर में लोग रहने के लिए रहते हैं वहां पे हम ओयो का भी डिस्कशन करते हैं, ओयो पे GST लगते हैं. वहां पे हम गोवा का डिस्कशन करते हैं कि जब आपका, आपने गोवा में कोई बंगलो दिया है और लोगों को दे रहे हो आप 15 दिन रहने के लिए, तो उस पे GST लगेगा. ओके, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए फैमिली को दिया है इसीलिए. टेल मी नेक्स्ट. हाँ, तो डियर फ्रेंड्स 7 नंबर के पॉइंट में जाते हैं. वेरियस टैक्सेज हैव बीन सब्स्यूम्ड इन GST. GST में कौन से टैक्स थे जो सब्स्यूम्ड हो गए, मर्ज हो गए, टू मेक वन नेशन वन टैक्स फॉर वन मार्केट इन कंज्यूमर्स. आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस व्हिच टैक्स हैव बीन सब्स्यूम्ड. तो क्वेश्चन नंबर 1 में से पूछ लिया उसने थोड़ा सा कॉर्नरिंग करते हुए. सब्स्यूम्ड यानी क्या, मर्ज हो गया. डियर फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे आंसर ढूंढने हैं जो अभी भी GST में मर्ज नहीं हुआ, वो इंडिपेंडेंट है. ओके, तो उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी इंडिपेंडेंट है, एनवायरमेंट टैक्स भी इंडिपेंडेंट है. तो उसका क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा सब्स्यूम्ड हो गया. तो दैट इज ओनली वन लेफ्ट आउट, दैट इज टैक्सेस ऑन लॉटरी. योर आंसर विल बी ए. तो फिर अब 8 का क्या कहना है. गुड्स एज पर सेक्शन 252 इंक्लूड्स. गुड्स की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, अटैच टू लैंड एग्री टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई, मनी और सिक्योरिटी. इंक्लूड्स पूछा है, सॉरी इंक्लूड्स पूछा है, इंक्लूड्स, एक्सक्लूड बोला मैंने, इंक्लूड पूछा है. क्या इंक्लूड होता है, पक्का?
सब लोग का सेम आंसर वन एंड टू, यानी हाँ ये बराबर है, इंक्लूड होता है, मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड। चलो नाइन्थ, मिस्टर जेड इज ऑन हिमाचल प्रदेश, वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो, नया बिजनेस स्टार्ट करना है। सब्स्यूम मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्ब यानी अब वो टैक्स नहीं रहेगा, ऐसा जीएसटी में आ गया। बट एनवायरमेंटल टैक्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चैप्टर वन में रखा नहीं है उन्होंने, लेटेस्ट में देखना पड़ेगा, बट हमने सब देखा ही ऑलमोस्ट। चलो फाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, मिस्टर जेड इज अ, चलो कम बैक एवरीवन, मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड मेकिंग फॉलोइंग सप्लाईज इन फर्स्ट मंथ, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई अप टू 17 लाख, सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स ऑफ 1 लाख, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 1 लाख, वेदर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, 17+1 18+1 19। बोलो, आपको बोलना है, फिर कुछ होगा गलत तो विल डिस्कस। लायबल नॉट लायबल, लायबल नॉट लायबल, लायबल। हिमाचल का लिमिट कितना होगा? 10 लाख होगा, स्पेशल में नहीं आता हो, बट यहां पे तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई है ना ये, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। 20 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, 20 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, इंटरस्टेट सप्लाई है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। ओके okay?